हम चार और ये सिर्फ एक, तो शॉट कौन लेगा? परफ्यूम परफ्यूम उसका नाम ही ऐसा लगता है। आदमी चूहे में क्या सिमिलरिटी है? नहीं बताओ। दोनों हमेशा छेद कर भागते हैं। एक पर से क्या होगा? तो आप अपनी पार्टनर को किस कीजिए, पूरे बॉडी पर, ऊपर से लेके नीचे, और जब आप नोटिस करें कि उसकी आंखें ऐसे ऊपर की तरफ जाने लगे। आंटी किस बात का ज्ञान दे रही लगे कि वो थोड़ी बेहोश सी होने लगी, दैट मीन्स कि दैट इज ये आंटी ज्ञान क्यों दे रही थी, ये वाला किसको जरूरत है? अबे क्या गाड़ी चला रही है ये कछुए की तरह, रेंग रेंग के इसे थोड़ी तेज भी चला ले। क्यों भैया, तेरी अम्मी भाग गई क्या या तेरी बहन भाग गई? नहीं यार, कैसी उल्टी उल्टी बातें कर रही है मुझसे? तो तेज की चलवा रही है साले किटारो, या इसे तू फरारी समझ रही है जो 200 की स्पीड पे पार कर दूं? साले सीधा जवाब दिया जा सकता था ना, फट बोल जाएगी ये गाड़ी, कंधे पे रख के ले जानी पड़ेगी कंधे पे। मैं तो यूँ कह रही हूँ यार, वहाँ पे जल्दी में पहुँचना हमें, और दूध देख कितनी तेज पड़ रही है, मैं काला पड़ जाऊंगा। तुझे क्या पता मैं अपने बाप का चांद हूँ? ओहो बाप का चांद, साले सही से देख अपने आप को आईने में, बाप का चांद ना, बाप का आईना तू। बंटवारा होगा गर्मी के दिन में, आज होगा बंटवारा, आज का क्या हो जाएगा, आज होगा गर्मी में होगा, आज होगा बंटवारा। हम सोचे थे कि अपन छोड़ साली से, अपन सारी लाल की कॉपी अब कर लेना भैया, कहाँ रोकी भैया आदमी, लड़ाई झगड़ा तो होते रहता है, भाई ना हमारे सरिया आपका तैयार है? तैयार थी तब ना हम बोले थे। अरे भैया आप भी ना लड़ाई झगड़ा छोड़िए ना, मेरे भाई ने भैया ना बस शादी होने के बाद फिर पार्टी बदल लेगा। हमारी गर्लफ्रेंड नहीं है तो ये लोग, थैंक यू सो मच, अगर तुम्हारी बॉयफ्रेंड नहीं ना तो हम भी तुमको कुछ देना चाहते हैं, ये लो। इतनी मार पड़ेगी ना साले, कुछ भी लेने लायक नहीं होगा। तुम लोग गलत गलत सोच रहे, ये लो दखला तू जहाँ से निकाला है। आप आपके सोलमेट्स में कौन सी क्वालिटीज देखोगे? क्वालिटीज दिल साफ होना चाहिए। और आप? दिल साफ के साथ अगर थोड़ा बड़ा हो तो मजा आ जाए। ए क्या कर रहे हो तुम दोनों के पास जूते हैं, इस्तेमाल करो। भाई तू बोलता था ना तेरे लिए जान भी हाजिर है, भाई मेरा काम करेगा? हाँ भाई बोल ना। भाई अपनी गर्लफ्रेंड मेरे को दे दे यार। अबे तू पागल है क्या यार, वो मेरे को बहुत पसंद है भाई। क्या करूँ यार, ये भी मेरी जान है और वो भी मेरी जान है। अच्छा भाई तू मेरे को एक मिनट दे, लड़की तो आ जाएगी दोबारा, पर मेरा दोस्त गया तो ये नहीं आएगा। अच्छा भाई सुन, उसका ख्याल तो रखेगा ना है? वो दान पेटी नहीं है भाई, दवाई टाइम से मिल रही है, दान करने वाली चीज नहीं है। काश मेरा भी दोस्त ऐसा होता। सेम रिएक्शन भाई, मैंने भाग के शादी की है, मेरे से पूछो कैसे रहा जाता है। तो फिर आपने भाग के शादी करी है तो आपके घर वाले और पुलिस वगैरह तो आपको ढूंढ ही रहे होंगे? भाई सब ढूंढ रहे थे, 3 महीने तक मैं छुप के रहा अपने दोस्त के घर पे, वो अकेला रहता है, बैचलर है ना, तो 3 महीने तक मैं उसके घर पे छुप के रहा, मैं और मेरी वाइफ। तो घर वालों से बातचीत होती है कुछ थोड़ा बहुत? बातचीत किस मुँह से करूँ भाई, समझ में नहीं आ रहा क्यों क्या हुआ। जैसे मेरी वाइफ मेरे से काम करने के लिए बोलती थी, पोछा लगा दो, तो मेरे को नहीं आता था, मेरा दोस्त लगा देता था, कपड़े मेरा दोस्त धो देता था, खाना वो बना देता था, तो ए टू जेड उसे सारे काम आते थे घर के। फिर तो उसी के साथ फिर वो उसी के साथ भाग गई। शादी हो गई? नहीं तुम कर लो। ऐसे कैसे मैं कैसे कर लूँ? अच्छा ये सब छोड़ो, बाय चांस अगर आपकी शादी होती है तो आपको कैसी लड़की पसंद आएगी? लड़की वड़की छोड़ो, सिंगल हो। बहन उससे फिर क्यों? उसपे क्यों आ रहे हो तुम? घूम फिर के शादी के सवाल मुझसे क्यों कर रहे हो? और भी तो लोग हैं। आप मुझे ठीक ठाक लगे इसे मैंने आपसे पूछ लिया। हाँ तो आप भी मुझे ठीक ठाक लगी इसलिए मैंने आ रही है। टीवी और फ्रिज लेना है, अब बता ऑनलाइन ले या ऑफलाइन? क्या बात कर रही हूँ मम्मी, सारी चीजें सिर्फ दहेज में ली जाती हैं। आंटी अपने चूते लड़के को समझाओ। खुशी में सिर्फ पियो, ये मत देखो रम है विस्की है, और खुशहाल जिंदगी के लिए बीवी से मोहब्बत करो, ये मत देखो किसकी है। बेटा जिसकी भी होगी ना वो तुझे ऐसा सूतेगा। जब मैं तैयार होकर आऊंगी ना। मुझे पता है तू रोज मेरे से बात करने का बहाना ढूंढती है, तू क्या सोच रही है, तेरे से शादी करूंगा मैं?
तेरे से ही तो शादी करूंगी मैं, तू बिल्कुल सही सोच रही है। चिपकली दे, तुझे पता मुझे मजाक करने की आदत बिल्कुल नहीं है। चिपकली की शक्ल के को लगता है ये लड़की इससे पड़ेगी। अबे बिना मेकअप के वो तुझसे अच्छी थी, चल बे। अरे कहाँ छपाओ मैं बहन के लो। नमस्कार दर्शकों, आज हम फिर हाजिर हो गए हैं कुछ चटपटे सवालों के साथ। आइए सागर की पब्लिक से बात करते हैं। चाट मसाला डाला था उसमें। एक मिनट भागो भागो मत भागो, कुछ सवाल पूछने मेरे को। ये बताओ शादी और शराब में क्या अंतर है? अंतर तो बहुत है भैया, ये पीने में कड़वी लगती है, वो बोलने में कड़वी लगती है। बात तो सही है बाबा। भैया अंतर तो और भी होते हैं, इसे सबसे छुपा के लाते हैं और उसे सबके सामने लाना पड़ता है। डब विच घोड़ा रखता तो यार तेरा घोड़े भर गया। राका भाई दिन में कितनी बार? दो बार, सुबह और रात को। अच्छा, दवाई है? एक बार खाने के बाद और खाने से पहले। बढ़िया बढ़िया, दैट्स गुड। मैं तो दिन में 8 बार करता था, फिर कम कर दिया मैंने, 9 बार में तो किया ही नहीं। दिन में 8 बार? हां ये रहो जवानी। तू विच घोड़ा रखदा नहीं तो यार, इतना कैजुअल है ना। डब विच घोड़ा रखदा। मैंने कहा अच्छा मुझे नींद आ रही है, उन्होंने कहा आप बेशक सो जाएं लेकिन फोन मत बंद कीजिएगा। तो मैंने कहा जब मैं कुछ बोलूंगी ही नहीं तो आप क्या सुनेंगे? उन्होंने कहा आपकी खामोशी। ये खामोशी है। हाय, नाम क्या आपका? सुंदर बहुत है यार। तू चुप रे भाई, तू चुप रे। थैंक यू। अच्छा वैसे मैं ना रैंडम स्ट्रीट पे ऐसे क्वेश्चन वगैरह पूछता हूँ, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछूं? पूछ लो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपके पास दो टांग है, उनके बीच में क्या है? उसके बीच में आप जैसे लड़कों के लिए जन्नत। क्या बोला तूने? आप जैसे लड़कों के लिए जन्नत। जन्नत अगर ऐसी होती है सच में, मैं नारा कुमार मंजूर है। जवाब दे दिया आपने, दिखा दे एक बार जन्नत। ओ मिस्टर, ये चीज ऐसे खुले में दिखाने के लिए नहीं होती। वाह 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 वाह, ऑप्शन दे रही है। ये चीज ऐसे खुले में दिखाने के लिए नहीं होती। ओ यार चलो बुक करता हूँ आपके लिए। भैया ओयो चलो क्या? हाँ भैया चलेंगे। कितने रुपए लोगे? 500 रुपए दे देना भैया। 500 में दोनों को देनी पड़ेगी? वो ऑटो ना तेरे ऊपर चढ़ा देगा तुम दोनों के ऊपर एक साथ। निकले पटाखे लेने चलते हैं। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा पटाखा तो तुम हो ना। ओ सजनी रे कैसे, इस पटाखे को तो दिवाली वाले दिन फोड़ लेगा, लेकिन मुझे भी तो बड़ा रॉकेट चाहिए। कैसी लगी बेइज्जती?